दोस्तों, सांप एक ऐसा क्रिएचर है जिसका नाम सुनते ही हम इंसानों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से सांप हैं जो आकार में बहुत बड़े और डर को भयभीत करने वाले होते हैं। वैसे तो सांप का नाम सुनके ही डर लगता है, पर इन बड़े सांपों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस धरती पर सांपों की लगभग 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ स्नेक्स बहुत छोटे होते हैं और ये जहरीले भी नहीं होते, परंतु कुछ इतने खतरनाक सांप है कि वो बड़े बड़े जीवों को भी एक ही झटके में निगल जाते हैं। कुछ सांपों के काटने मात्र से इंसान अपना जीवन खो देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा सांप है जो हिप्पोपोटामस को भी निगल सकता है? आपने कभी किसी ऐसे सांप के बारे में सुना है जिनका साइज किसी बस से भी बड़ा हो? दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये सब पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े सांपों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो पूरा देखिएगा। धरती पर समय समय पे बहुत से बड़े सांपों की खोज हो चुकी है। नंबर एक पर आते हैं इंडोनेशियन पाइथन। इंडोनेशिया में अचानक ही एक ऐसे पाइथन की खोज हो गई जो बेहद खतरनाक था। जी हाँ दोस्तों, इस सांप की लंबाई 50 फीट और वजन लगभग 500 किलो है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप कितना खतरनाक होगा, और इसके लिए किसी को भी निगलना बच्चों का खेल जैसा था। इस सांप की खोज के पीछे एक कहानी भी है। 2002 में इंडोनेशिया की एक खेत में काम कर रहे पति पत्नी को ये सांप दिखा। इतने लंबे सांप को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही सांप पकड़ने वालों को बुलाया, और आपको बता दें, इस सांप को उठाने के लिए लगभग 65 लोगों की जरूरत पड़ी थी। इस सांप की देखभाल करने वाले कर्मचारियों पर भी इसने बहुत बार हमला किया है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसके आसपास जाता था, ये अपना बड़ा मुंह खोलकर उसे निगलने की कोशिश करता था। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर है एनाकोंडा। हम किसी समय एनाकोंडा की नहीं बल्कि 33 फीट लंबे एनाकोंडा की बात कर रहे हैं। ये सांप ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला। वहां काम कर रहे वर्कर्स ने जब इसे देखा, ये मर चुका था, पर इतने बड़े सांप को देखकर उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई थी। ये एनाकोंडा 33 फीट लंबा था और इसका वजन 250 किलो से भी ज्यादा था। बहुत सारे वर्कर्स मिलकर भी इसे उठा नहीं पा रहे थे। वैसे एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, पर 33 फीट का एनाकोंडा भी हो सकता है कि इसे मानना थोड़ा मुश्किल था। इसे देखकर रिसर्चर भी हैरान रह गए थे। तीसरे नंबर पर आता है मेडूसा। 25 फीट से ज्यादा लंबा और 200 किलो से ज्यादा वजनदार दिखने में बहुत ही खूंखार मेडूसा बहुत समय तक दुनिया का सबसे लंबा सांप रहा है। मेडूसा बड़े बड़े जानवरों को कच्चा निगलने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि ये एक तरह का एनाकोंडा ही है। एक खास बात मेडूसा के बारे में हमारे सामने ये आई है कि ये सांप इससे प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले लोगों को हानि कभी नहीं पहुंचाता था। चौथे नंबर पर बात करते हैं ब्राजील रिवर एनाकोंडा की। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ब्राजील में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर एनाकोंडा की भी बहुत सी प्रजाति पाई जाती है। इन्हीं में से एक है ब्राजील रिवर एनाकोंडा। ये लंबाई में लगभग 25 फीट का है। दोस्तों, कुछ लोग अपने नाव से एक दिन ब्राजील की नदी में घूम रहे थे, तभी उन्हें पानी में हिलता हुआ कुछ बड़ा जीव दिखाई पड़ा। ये लोग इसका पीछा करने लगे। उन्हें पता लग गया था कि ये एक बड़ा सांप है। जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो तुरंत पुलिस की एक टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया था। इस विशालकाय जीव को देखकर सब हैरान रह गए थे। दोस्तों, पांचवें नंबर पर बात करते हैं बुर्मीज पाइथन की। बुर्मीज पाइथन के बारे में बहुत कुछ आप लोग पहले से ही जानते होंगे। ये दुनिया की जाने माने सांपों की प्रजाति में से एक है। दोस्तों, बुर्मीज पाइथन दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक होने के साथ साथ अपने नॉन वेनमस नेचर के कारण भी जाने जाते हैं। फ्लोरिडा के लोगों ने एक ऐसे बुर्मीज पाइथन लिया जो बहुत ही बड़ा था। 18 फीट लंबे इस सांप को पकड़ने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ी थी। एक और खास बात ये पता चली है कि ये लंबे समय तक जी सकते हैं, साथ ही ये एक अच्छे तैराक भी होते हैं। ये अपने शिकार के चारों तरफ लिपटकर उनका दम घोट देते हैं। अब छठे नंबर पर बात करते हैं मलेशियन पाइथन की।
दोस्तों मलेशिया में पाया जाने वाला ये पाइथन दुनिया भर में मशहूर है। इसकी लंबाई 26.2 फीट और वजन 250 किलो से ज्यादा था। माना जाता है कि ये पाइथन कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स को मिला था। बहुत सारे वर्कर्स मिलके भी इस सांप को उठा नहीं पा रहे थे। इस पर काबू पाने में उन्हें 30 मिनट का टाइम लगा था। जब ये सांप मिला था तब प्रेग्नेंट था और मात्र 3 दिनों में ही अंडे देने के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। 2016 में इसे दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना गया था। दोस्तों सातवें नंबर पर बात करते हैं ब्लैक माम्बा की। अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा और जहरीला सांप है ब्लैक माम्बा। इनकी लंबाई 15 फीट तक हो सकती है। इनकी बाइट को किस ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी को भी पीछा कर सकता है। आपको बता दें कि ब्लैक माम्बा असल में ब्राउन कलर के होते हैं। इनके नाम में ब्लैक इनके मुंह के अंदर के कलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये मांसाहारी होते हैं और छोटे जीवों को निगल जाते हैं। यदि कहीं गलती से भी आपके सामने ब्लैक माम्बा आ जाए तो समझ जाइए कि आपकी मौत बहुत नजदीक है। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े सांपों की इस कड़ी में आठवें नंबर पर आते हैं पपुअन पाइथन। इनकी लंबाई 13 से 16 फीट तक होती है। बाकी पाइथन के मुकाबले पपुअन पाइथन का वेट काफी किलोमीटर होता है। इनका वजन लगभग 22.5 किलो का होता है। एक खास बात जो इनके बारे में हमारे सामने आई है वो ये है कि पपुअन पाइथन की एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे इनकी बॉडी का कलर भी चेंज होता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि दिन में इनका कलर कुछ और है और रात को कुछ और। ये सांप काफी खूंखार होते हैं और अपने शिकार पर बिल्कुल दया नहीं करते। नौवे नंबर पर बात करते हैं कॉन्गो स्नेक की। अफ्रीका के कॉन्गो देश में एक ऐसा सांप दिखाई दिया जिसकी लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा लंबी थी। माना जाता है कि ये सांप टाइटानोबोआ को मात देने का दम रखता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बेल्जियम का एक फाइटर हेलीकॉप्टर जब अफ्रीका के कॉन्गो के ऊपर से जा रहा था तब उसके पायलट को एक बहुत बड़ा सांप दिखा जिसको नजदीक से देखने की जिज्ञासा उनके सांप के पास खींच लाई। वो लैंड करने ही वाले थे कि इतने में उस सांप ने उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। हालांकि किसी तरह पायलट अपने हेलीकॉप्टर के साथ वहां से जान बचाकर निकल गए। पायलट ने कॉन्गो स्नेक की कुछ फोटोज ली थी। साथ ही उन्होंने बताया कि ये स्नेक इतना बड़ा था कि वो हेलीकॉप्टर भी निगल सकता था। दसवें नंबर पर है येलो एनाकोंडा। येलो एनाकोंडा बोआ फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े सांपों में की जाती है। इनकी लंबाई 15 से 20 फीट तक हो सकती है और वजन 35 किलो। वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 से 30 फीट लंबे येलो एनाकोंडा भी देखे गए हैं जिनका वजन 55 किलो जितना होता है। एक खास बात यह है कि येलो एनाकोंडास को वाटर बो के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि ये अपना अधिकतर समय पानी में बिताना पसंद करते हैं। इनकी बॉडी का कलर अधिकतर गोल्डन या येलो होता है। इनकी एक विशेषता इनके मुंह में हीट सेंसिंग पिट्स का होना है। आपको बता दें कि ये पिट्स इनकी वार्म ब्लडेड एनिमल्स को पहचानने में मदद करती है। दोस्तों आज हमने दुनिया के सबसे बड़े सांपों के बारे में जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।